नाले निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने लगाया समय पर मजदूरी भुगतान नहीं करने का आरोप। काम बंद करने की दी चेतावनी। गुमला शहरी क्षेत्र के पालकोट रोड में नाली निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें 50 से अधिक महिला और पुरुष मजदूरी में लगे हैं। महिला और पुरुषों ने मंगलवार की देर शाम निर्माण स्थल पर हंगामा किया। मजदूरों ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि पैसा भुगतान करने के बाद कही गई थी, क्योंकि अधिकांश मजदूर रोज कमाते हैं तब जाकर घर का चूल्हा जलता है, ऐसे में समय पर पैसा नहीं मिलने से काफी परेशानी होती है। मंगलवार की देर शाम तक मजदूर गोलबंद होकर काम बंद करने की चेतावनी दी। वहीं बुधवार की सुबह जानकारी देते हुए संवेदक ने बताया कि बैंक से कुछ परेशानी के कारण समय पर पैसा नहीं मिल सका था, लेकिन मजदूरों को पैसा दे दिया गया है और जिन मजदूरों का पैसा बकाया है उन्हें बुधवार को दिया जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ कि पैसा भुगतान में थोड़ा विलंब हुआ। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे मजदूर नेता जुम्मन खान और मजदूरों से मजदूरी भुगतान संबंधित मामले की जानकारी ली। साथ ही ठेकेदार को कहा कि मजदूर मेहनत कर पैसा कमाते हैं, इसलिए समय पर इन्हें पैसा का भुगतान किया जाए जिससे किसी को परेशानी ना हो। तब से पैसा नहीं दिया है, नहीं देता है, बोलते हम लोग नहीं आते हैं तो उसका पैसा दोबारा मांगने आता है तो देते नहीं करता है। कितना मजदूर है आप लोग? अंदाज से बताइए। 300। अच्छा, पूरा मजदूरी मिलता है? नहीं, हम लोग तो 270 रुपए। अभी 2 सप्ताह से नहीं मिला पैसा आप लोग को ना? क्या बोलता है ठेकेदार? क्या बोलता है? देंगे, अगले बार देंगे, अगले बार देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, अगले हफ्ता देंगे, ऐसे बोलते रहता है। क्या नाम है आपका? मेरा तो कुछ नहीं है नाम। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।